नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है दोस्तों, बहुत बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है सिर्फ मैनेजर लोगों के लिए दोस्तों। बहुत बड़ी पोस्ट है और करीबन 400-500 पोस्ट यहाँ पर मैनेजर के लिए निकल के आ चुकी है दोस्तों। अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है और दोस्तों फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है और फी अपने लास्ट डेट भी अभी तक काफ़ी बाकी है। तो चलो बात करते हैं डिटेल्स में, कौन कौन सी पोस्ट निकल के आ चुकी, कितनी सारी सैलरीज मिलने वाली है, आपको फ़ीस क्या लगने वाली है और आपको लास्ट डेट क्या मिलती है फॉर्म भरने के लिए। सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो चलो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों आपके सामने ओपन है SBI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे स्पेशल ग्रेड ऑफिसर्स की भर्ती निकल के आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो सब चालू हुआ है 13 अप्रैल को सबमिट करना, आज है 15 अप्रैल, 2 दिन हो चुके हैं। और लास्ट डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मई 2025 है, मतलब 3 मई 2025 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपके पास काफ़ी समय है तो आपको जल्दी अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकल के आ चुकी है। तो चलो पहले पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आप पहले देखिए, पहली जो पोस्ट है वो मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस की है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी पोस्ट जो है 45 पोस्ट निकल के आ चुकी है मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस के लिए। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे ओपन के लिए 20 पोस्ट है, OBC के लिए 11 पोस्ट है, SC के लिए 7 पोस्ट, ST के लिए 3 पोस्ट, EWS के लिए 4 पोस्ट और ऐसे कुल मिला के 45 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और दोस्तों दूसरी जो पोस्ट है वो है मैनेजर जॉब फैमिली एंड सक्सेशन प्लानिंग के लिए और ये है एक पोस्ट निकल के आ चुकी जो कि टोटली जनरल के लिए है। दूसरी जो है मैनेजर के लिए है और इसके लिए भी एक पोस्ट जो जनरल के लिए है। चौथी जो पोस्ट है वो डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है, यहाँ पे एक पोस्ट निकल के आ चुकी है, वो भी दोस्तों जनरल के लिए है। उसके बाद में डेप्यूटी मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है, टोटल 5 पोस्ट है दोस्तों और ये भी एक OBC के लिए, बाकी 5 पोस्ट टोटल जनरल के लिए है, तो कुल मिला के ये 6 पोस्ट है। और दोस्तों आखिरी जो पोस्ट है वो है डेप्यूटी मैनेजर एनी टाइम चैनल्स के लिए और वो जो 2 पोस्ट निकल के आ चुके हैं दोनों पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो करीबन 56 पोस्ट यहाँ पे मैनेजर के लिए निकल के आ चुकी है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों पे स्केल की बात करें तो आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पर पे स्केल आपको 78,230 रुपीज़ मिलने वाला है, मतलब 78,230 रुपये पहले 3 कैटेगरी के लिए, मतलब मैनेजर के लिए। और डेप्यूटी मैनेजर के लिए देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 69,810, मतलब 69,810 रुपये सैलरी कुल मिला के यहाँ पर मिलती है, तो अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों। और मेन बात यह है कि ऊपर की जो 5 पोस्ट है वो पूरी तरह से मुंबई के लिए है और लास्ट की जो एक पोस्ट है वो न्यू दिल्ली के लिए। तो दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र से हो, मुंबई से हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलती है। करीबन 5 पोस्ट यहाँ पे मुंबई के लिए मैनेजर के निकल के आ चुकी है, सॉरी 56 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अभी चलो डिटेल्स में जानते हैं कौन कौन सी फ़ीस, कितनी फ़ीस लगने वाली है, बाकी सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम का, मतलब आप अगर आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपका MBA वगैरह होना चाहिए, एक तो MBA या तो फिर PG DBA या फिर PG DBM, इसमें से अगर कुछ कोर्स आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको यहाँ पर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो बेस्ट वे आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपके फ़ायदे में रहेगा। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो मैनेजर जॉब फैमिली एंड सक्सेशन प्लानिंग के लिए थी, उसके लिए भी यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना जरूरी किसी भी स्ट्रीम का, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए वही क्वालिफिकेशन है। किसी भी स्ट्रीम का अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ आपका जो है MBA किया होना चाहिए, तो अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों मैनेजर जो आपकी आगे की जो पोस्ट थी उसके लिए भी यहाँ पे फुल टाइम BA BTEC होना चाहिए था उसके लिए, मतलब ग्रेजुएशन ही है लेकिन इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और 7 साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैनेजर रीमैप्स करके था, आगे जो डेप्यूटी मैनेजर के लिए पोस्ट है उसके लिए भी आपका MBA किया हुआ होना चाहिए और 2 साल का फुल कोर्स MBA का अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों MBA करना मतलब ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, तो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन कंपलसरी है, साथ ही साथ MBA होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
दोस्तों अगली जो पोस्ट थी वो डेप्यूटी मैनेजर की थी, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, क्योंकि वो पोस्ट थी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए थी। तो आपने अगर सीए किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों दूसरी जो बात है, यहाँ पे 3 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट थी वो थी डेप्यूटी मैनेजर एनी टाइम चैनल के लिए, तो यहाँ पे आपका बीए बीटेक किया होना चाहिए, वो भी आईटी में। अगर आपने आईटी में बी बीटेक किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपका फुल टाइम 2 साल का एमबीए किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे केआरए के बारे में दिया गया है कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, कौन कौन सा जॉब प्रोफाइल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डायरेक्टली आके चेक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बार फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पर आके ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे एग्ज़ाम के ऊपर होगा, और एग्ज़ाम 2 फेज़ में होगी, उसके बारे में आगे चल के डिटेल में बताता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे आपको किस तरह से अप्लाई करना, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको फुल्ली ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑफलाइन कुछ भी सबमिट नहीं करना है, टोटली यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप आपके चेक कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, फ़ीस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 750 रुपये यहाँ पर फ़ीस लगने वाली है, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूडी हो, तो यहाँ पर आपको कुछ भी फ़ीस नहीं लगेगी, यहाँ पर नील दिया गया है, मतलब आपको यहाँ पर इंजेक्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर फ़ीस नहीं भरेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि आपको फॉर्म में सबमिट करने से पहले आपको फ़ोटो की साइज़ कितनी होनी चाहिए, और उसकी मतलब ये कितनी होनी चाहिए, पिक्सल में कितनी होनी चाहिए, केबी में कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दी गई। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, 20 to 50 KB की साइज़ होनी चाहिए। डायमेंशन में देखा जाए तो 200 से 230 पिक्सल का आपका फ़ोटोज़ होना चाहिए, तो आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में सारी चीज़ें होगी, जैसे कि आपकी फ़ाइल कौन सी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी होनी चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिग्नेचर की साइज़ कितनी होगी, ये सारी चीज़ आपको एक चेक करनी है पहले, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें पहले देख लीजिए दोस्तों, अच्छी खासी पोस्ट निकल के आ चुकी है दोस्तों, आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रोज़ ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो बना उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।